सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में आज एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आशीर्वाद फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी संदीप यादव से 50,000 की लूट कर बदमाश मौके से फरार हो गए। कर्मचारी ने तत्काल डायल सो को फोन कर बुलाया और मौके पर पहुंचे डायल सो ने कंपनी के कर्मचारी को पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया और मामले की जाँच में जुट गई। बताते चले कि अभी एक दिन पहले ही एक शिक्षक से 20,000 की लूट कर नकाबपोश मोटरसाइकिल बदमाश मौके से लूट कर भागने में कामयाब हो गए थे। दो दिन में लगातार लूट की दो घटनाओं से लोगों में दहशत व्याप्त है। जिला मुख्यालय पर इस तरह की दो दिन में दूसरी वारदात है जिससे लोगों में दहशत व्याप्त हो गई है। सर हम कलेक्शन करके आ रहे थे, जो है ब्रांच पे जा रहे थे पैसा लेके, जो है रास्ते में जो है ब्रांच पहुंचने वाले थे, जो है छीन लिए कट्टा दिखा के, जो है पकड़ के मेरा चाबी भी सब लेके चले गए। बैग में पैसा था, जो है पैसा भी लेके चले गए। 49,800 कुछ पे। कितने लोग थे? 3 लोग थे। क्या तमंचे वगैरह लिए थे? हाँ, बंदूक लिए थे, जो है ऐसे गला वाला ऐसे पकड़ के जो है दबा दिए थे, बंदूक ऐसे सटा दिए थे जो है। क्या नाम? बाइक से थे लोग? संजीव कुमार यादव। हाँ, बाइक से थे, ब्लू कलर की अपाची थी। ठीक ठीक सर, ये यहाँ पे लूट की बात सामने आ रही है सर, किससे लूट हुई है और कितने की लूट हुई सर? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही यूपी 100 के माध्यम से पुलिस को एक सूचना मिली थी कि एक आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड थी, उसी के कर्मचारी थे मिस्टर संदीप यादव जी, जो अपना विविध क्लाइंट से वसूली करने के बाद वो लौट रहे थे। तो थाना रावर्ट्सगंज के अंतर्गत एक गली में उनके कथनानुसार एक मोटरसाइकिल पे सवार 3 लोग बैठे हुए थे और उनसे वो बैग छीन लिए, जिसमें लगभग अभी जो जानकारी वो दे रहे हैं 49,000 के आसपास जो है उसमें पैसे थे। इस सूचना पे पुलिस द्वारा मौका मुआयना किया गया है और पूरी जनपद में चेकिंग कराई जा रही है और हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस घटना का अनावरण कर सकें।